तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं। अभी मैं अपनी साइट पर आया हुआ हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंदे काम कर रहे हैं। और ये सारा व्यू है जो हमारा साइट से थोड़ा बाहर का एरिया है, जहाँ पर हम विदाउट हेलमेट आ सकते हैं। आज जो है हमारा टावर क्रेन का इरेक्शन होने वाला है, और इस वीडियो में हम वही कवर करेंगे कि टावर क्रेन इरेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, एंड हाउ डज टावर क्रेन इरेक्ट। और ये टावर क्रेन अपने आप इरेक्ट करती है, और ये बेसिकली इरेक्ट मतलब अपना हाइट इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि हमारी फ्लोर हाइट जो है वो नियर अबाउट द बूम जो है हमारा उसके काफ़ी पास पहुंच गई है, तो हमें इसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। और आज के वीडियो में हम यही कवर करेंगे कि कैसे हम इसकी हाइट बढ़ा दें। प्लीज़, ये है अपनी टावर क्रेन, और जिसका हमें हाइट इरेक्शन करने का। और अभी आदमी लगे हुए हैं ऑलरेडी यहाँ पर, हमारे जो टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रिशियन है, सब लगे हुए हैं काम पे। एक बेटर व्यू कवर करने के लिए, यहाँ से तो हो नहीं पाएगा, एक बेटर व्यू कवर करने के लिए अपन लोग चलते हैं इस बिल्डिंग के टॉप पे। इस बिल्डिंग के टॉप से मैं आपको दिखाता हूँ कि साइट कैसी दिखाई देती है और क्या क्या करना पड़ता है एक टावर क्रेन को इरेक्ट करने के लिए। तो गाइस, हम लोग लिफ्ट के पास आ गए हैं, बट लिफ्ट इज नॉट वर्किंग, और हमें अब पैदल ही जाना पड़ेगा 14 फ्लोर पे। सो गाइस, 6 फ्लोर चढ़े हैं अभी और पैरों का बुरा हाल हो गया है। अभी हमें 6 फ्लोर और जाना है, सो चलते हैं फिर। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं टेरिस पे, और यहां से अब मैं आपको दिखाता हूं कि टावर क्रेन का सीन कैसा दिखाई देगा। फोकस हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टावर क्रेन अपने आप को अभी इक्विलिब्रियम स्टेज में कर रही है। जो ये लटका हुआ है ना, ये इसको मास्ट बोलते हैं, बेसिकली जो हाइट को रेज करने के लिए काम आता है। इट इज़ वन ऑफ द वर्टिकल एलिमेंट ऑफ द टावर क्रेन, जो टावर क्रेन में लगेगा, जिससे हाइट हमारी इंक्रीज होगी टावर क्रेन की। तो वहाँ पर हमारे साइट के मैकेनिकल इंचार्ज और इंजीनियर्स वगैरह खड़े हैं। जूम करने से पिक्चर क्लियर नहीं आ पा रही है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और जो टावर क्रेन के ऊपर अगर आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो बेसिक अरेंजमेंट करने हैं वो करने में लगी हुई है लेबर और जो हमारे टेक्नीशियन है। तो जैसे ही ये इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाएगी, एक मास्ट को ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर रखा हुआ है इन्होंने प्लेटफॉर्म पे, जो दिखाई दे रहा है ये जो है, ये मास्ट है जो प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है। और ये वाला जो मास्ट हैंग किया हुआ है, ये बेसिकली इसको इक्विलिब्रियम स्टेज में लाने के लिए, बोले तो वेट को न्यूट्रल करने के लिए यूज़ किया जाएगा। जब ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाएगा, तब टावर क्रेन अपने आप को लिफ्ट करेगी और गैप क्रिएट करेगी, सो दैट जो वो प्लेटफॉर्म पे मास्क रखा हुआ है वो अंदर प्लेस किया जा सके, और ऐसे करके टावर क्रेन की हाइट बढ़ जाएगी। तो गाइस, अभी तो इसमें टाइम लगेगा, ये लोग अभी अपना क्रेन को इक्विलिब्रियम में लेके आ रहे हैं, और बाकी जो वहाँ पर स्पेस बनाने का काम है वो चल रहा है,
तब तक मैं आपको यमुना जी का व्यू दिखाता हूँ कि बारिश के बाद यमुना जी की क्या कंडीशन है और आसपास के एरिया में क्या हो रहा है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत बारिश होने की वजह से यमुना जी का जल स्तर बढ़ गया है और पानी जो आसपास के सारे इलाकों में भर गया है। इस जूम करके दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको कि सारा पानी जो है आसपास के इलाकों में भर गया है। जो नोएडा की टाउनशिप प्लानिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीनरी की कहीं पे भी कोई कमी नहीं महसूस हुई है आप लोगों को। बहुत अच्छे से टाउनशिप प्लान की हुई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, टाउनशिप है और कमर्शियल सेक्टर में भी इतनी ग्रीनरी कहीं नहीं मिलेगी आपको। सो गाइस, जो बेसिक अरेंजमेंट होना था वो सारा हो गया है और अब हम लोग चलते हैं अपने फ्लोर पे, जहाँ से मैं आपको एक क्लोज व्यू दिखाऊंगा कि टावर क्रेन कैसे अपने आप को लिफ्ट करेगी स्पेस क्रिएट करने के लिए और फिर मास्क अंदर जाएगा और वो कैसे इंस्टॉल होगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस होगा, तो हम लोग टाइम लैप्स में इसको रिकॉर्ड करेंगे सो दैट एक क्विक व्यू मिल जाए आपको, ज़्यादा वेट ना करना पड़े कि कैसे होता है। लेट्स गो। जैसा आप देख सकते हैं कि टावर क्रेन अपने आप को लिफ्ट कर रही है और इसमें क्लियरली दिख रहा है कि हाँ, टावर क्रेन का जो अपर पार्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और एक स्पेस क्रिएट कर रहा है मास्क को अंदर लाने के लिए। और अब धीरे धीरे देखो, मास्क अंदर जा रहा है, जो हमारी मैन पावर है उसको अंदर लेके जा रही है और इसको इरेक्ट करना चालू कर देगी अभी। तो गाइस, ये मेरी पहली वीडियो थी, पहली कोशिश थी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें।